आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबर से जो बिहार से है, जहां रोहतास में रेलवे बोर्ड द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में से एक 200 करोड़ की रेल ट्रैफिक योजना को मंजूरी मिल गई है। बता दें कि रेलवे के बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए डालमिया फैक्ट्री की जमीन का अधिग्रहण रेलवे द्वारा 2006 में किया गया था। वहां फ्रंट कॉम्प्लेक्स बनने की योजना का सर्वे भी किया गया है। इस दौरान सर्वे टीम के साथ पूर्व मध्य रेल के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर और प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ दीनदयाल उपाध्याय मंडल के डीआरएम भी शामिल थे। सर्वे टीम द्वारा डालमिया नगर में रेलवे की जमीन का निरीक्षण भी किया गया। रेलवे अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई कि जमीन 218 एकड़ है, जिस पर भविष्य को देखते हुए इस जमीन को फ्रंट कॉम्प्लेक्स बनाने का रेलवे ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसकी अनुमानित लागत 200 करोड़ की बताई गई है। वहीं इस सर्वे की खबर से आम जनता में खुशी की लहर है, लेकिन इस मामले का दूसरा पहलू भी है, पुराने लोग मायूस भी दिखाई दे रहे हैं। आज का निरीक्षण हमारे मुख्यालय के अधिकारियों के साथ और मंडल के अधिकारियों ने मिलकर के, जो जमीन यहाँ पे उपलब्ध है उस पर एक फ्रेट मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्स बनाने के लक्ष्य से किया गया है। हमने जमीन का सर्वेक्षण किया है, उसमें ये संभावना देखने के लिए कि किस तरह से लाइन बिछाई जा सकती है। अभी ये रफ सर्वेक्षण है, इसके बाद धीरे धीरे इसमें और डिटेल सर्वेक्षण करेंगे और फिर आगे की प्लान बनाएंगे। जिले के टिहरी रेलवे स्टेशन पे हूँ, जहाँ इसिया के अधिकारी ने जो रेलवे डालमिया की जमीन थी उसको निरीक्षण करने आया। आपको बता दें कि इस भूमि को रेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए निरीक्षण किया गया। कैमरामैन चंदन के साथ मंजीत सिंह, प्राइम टीवी रोहतास। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।